सेल्स बुक क्या होती है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सेल्स बुक क्या होती है, तो सेल्स बुक को समझेंगे हम डिटेल में विद क्वेश्चन के थ्रू, ताकि सेल्स बुक अच्छे से क्लियर हो। और अगर आप चाहते हो कि परचेज बुक, कैश बुक को समझना, तो उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप जाके जरूर देखना। स्पेशली आज की वीडियो है सेल्स बुक के बारे में। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सेल्स बुक सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती है। सेल्स बुक होती है एक सब्सिडरी बुक। जर्नल को जब हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और उसकी बुक्स बना देते हैं अलग अलग, जिसमें हम सिर्फ एक से एक टॉपिक से एक कैटेगरी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन वहां मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक एक जर्नल का सब डिविजन होता है। सेल्स बुक भी उसी का पार्ट है, जैसे कि परचेज बुक, कैश बुक होती है। और साथ ही साथ सेल्स बुक में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी, वो है क्रेडिट सेल्स। कोई कैश सेल की ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि कैश सेल की ट्रांजेक्शन आती है कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर सारी कैश की ट्रांजेक्शन आती है, इसलिए कैश सेल भी वहीं पे रिकॉर्ड करी जाएगी, क्रेडिट सेल खाली आएगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या होता है। जितने भी सब्सिडरी जर्नल होते हैं, ज्यादातर सबका से एक ही फॉर्मेट होता है, लेकिन ये जर्नल है एक तरह का, ये भी तो इसमें आपका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको बुक्स का नाम लिखना पड़ेगा, किसकी बुक्स में आप सेल्स बुक बना रहे हो, किसका नाम है बिजनेस का सेल्स बुक। बिल्कुल परचेज बुक जैसा फॉर्मेट है। यहाँ पर लिखी जाती है डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर जो लिखा जाएगा, इनवॉइस कौन सा है, नंबर क्या है उसका, LF, लेजर फोली आपको पता है जनरल में लिखा जाता है, यहाँ भी लिखा जाएगा। डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जब आप पर्टिकुलर्स, हमेशा आप पर्टिकुलर्स में जगह ज्यादा छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर आपका जिसको आप बेचोगे उस कस्टमर का नाम लिखा जाएगा, और जितने आप प्रोडक्ट बेच रहे हो अलग अलग कैटेगरी के, सबसे पहले उसको डिटेल में लिखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप काफी प्रोडक्ट बेच रहे होगे, तो उसको अलग अलग टोटलिंग करेंगे डिटेल में जाके, फिर आगे उसको ट्रांसफर करा जाएगा। सबसे पहले सेल, कि आपका सेल प्राइस कितना है, जैसे कि परचेज बुक में यहाँ कॉस्ट लिखी जाती थी, तो यहाँ पर सेल प्राइस कितना है, फिर उसका जीएसटी आपको कितना मिला, CGST, SGST का कॉलम अलग बना दिया, IGST और बाद में टोटल अमाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा सेल्स बुक का फॉर्मेट होता है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू सेल्स बुक को समझते हैं कि कैसे बनती है। चलिए तो आप समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू सेल्स बुक कैसे बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा है, ये डीके गोयल का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सेल बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी, जयपुर से है वो भी राजस्थान के। यहाँ पर आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से है, क्योंकि जब भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से शहर से है, ये कौन सा सॉरी स्टेट से है। अगर आप जीएसटी कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हो, तो मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। राजस्थान से है ना ये, तो आपके सामने जीएसटी लगेगा, अब CGST और SGST का रेट दे रखा है। अब मेरे पास ध्यान से बनना, अगर कोई भी अगर राजस्थान में ही बेचेगा ये सामान, तो फिर आपका जो लगेगा जीएसटी, वो लगेगा आपका कौन सा जीएसटी लगेगा, CGST और SGST लगेगा। लेकिन अगर ये राजस्थान से कहीं और भागे बाहर बेचेगा किसी और स्टेट में, तो फिर आपका IGST लगता है। तो देखो पहली पहला क्या हुआ, जून 4 को इनने बेचा जो सामान, वो यूपी में बेचा है, यूपी में बेचा है गुप्ता फर्नीचर हाउस को, तो कौन सा जीएसटी लगेगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा IGST। राजस्थान अलग है, यूपी अलग है, तो अगर किसी और स्टेट के बाहर हम माल बेचते हैं तो आपका IGST लगता है। तो देखो जो जिसको बेचा गया है, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फॉर्मेट आपके सामने पता ही है, देखो ऐसा बनेगा फॉर्मेट, ऊपर अच्छे से नाम लिखना है आपको, इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी, फॉर्मेट आपके सामने है। अब इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, किसको माल बेचा गया है, सबसे पहले उसका नाम आएगा गुप्ता फर्नीचर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिखे गुप्ता फर्नीचर हाउस, जो कि आपका कहाँ से है, ये आगरा से है, शहर का नाम भी लिख देंगे। अब हम लिखेंगे कि हमने उसको क्या क्या सामान बेचा है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं 120 चेयर बेची है 2500 रुपये पर चेयर, तो ये लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे अब, जो हमारा सबसे पहले हमारी यहाँ डेट लिखेंगे जून 4। सो आपका जो सामान बेचा है, ये हमारा कितनी चेयर है, हमारी कितनी बिकी है, 120 चेयर बिकी है ना, तो 120 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2500 ईच। ठीक है,
ये हम लिखेंगे, और उसके बाद ये सारा का सारा हम यहाँ पर जो टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डिटेल में लिखेंगे, कहीं और नहीं लिखना, सब डिटेल में लिखेंगे, सारी डिटेलिंग आ जाएगी 3 लाख रुपीस। ठीक है, फिर आपके सामने ये देखो, ये हमने सही कर लिया, ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का था 25 टेबल बेचेगा ये 8,000 रुपये पर टेबल के, तो ये भी लिख लेते हैं 25 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 8,000 रुपीज ईच, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 लाख। अब इसको करते हैं टोटल, टोटल करते हैं इसका, ये कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज आ जाएगा टोटल करके। ठीक है, अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट लगता है हमेशा उस पे जितना कि हमारा लिस्ट प्राइस बना होता है, कि लिस्ट प्राइस यही तो बना कि 5 लाख का हमें बेचना था, अब 5% का हमें डिस्काउंट दे देगा, तो इसका 5% जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, 25,000 रुपीज हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो हमारा 4,75,000 आ गया। अब ये 4,70,000 का ही नहीं बेचेंगे, साथ में जीएसटी भी लगेगा, तो एड जीएसटी। अब ये कौन सा जीएसटी लगेगा, मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में ही, आउटपुट आई जीएसटी, अभी क्योंकि आउटपुट आई जीएसटी लगेगा जब भी, क्योंकि सामान आगरा में बेचा गया, खुद वो राजस्थान का था, तो आउटपुट आई जीएसटी 12% का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो सी जीएसटी और एस जीएसटी मिला के तो आपका कितने का हो रहा था, हमेशा जी आई जीएसटी क्या होता है कि एक्चुअल में जीएसटी का रेट क्या था, 12% का था, उसको तोड़ा गया होगा इक्वल पार्ट में सी जीएसटी एस जीएसटी, तो इन दोनों को मिला के आई जीएसटी आता है, 12% का लगेगा, तो 57,000 रुपीज का लगेगा। कितने का हो गया फिर, ये इसको प्लस कर लेते हैं 5,32,000। ठीक है, अब आप देखो, अब आप इसको इसको ब्रेक करना है, अब आपको दिखाना है कि 5,32,000 कैसे आया, आप आपको दिखाना है कि सेल प्राइस में कितना जाएगा, 4,75,000, क्योंकि अगर जीएसटी को छोड़ दे तो हमारा कितना प्राइस बन रहा था, ये 4,70,000 बन रहा था। सी जीएसटी कितना है इसमें, कुछ नहीं है, एस जीएसटी नहीं है, आई आउटपुट आई आई जीएसटी है, कितना 57,000 का, और इसलिए टोटल अमाउंट दिखा दिया हमने कि कैसे बनी है, फोल ऐसे बनी है, ब्रेक करके दिखा दिया बस। तो ये हो गई हमारी पहली, हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, अब हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जो हमने अगला बेचा गया है सामान वो कितना बेचा गया, राजा फर्नीचर हाउस को अहमदाबाद से, गुजरात से, और आप फिर देखो कि ये गुजरात से है और वो हमारी जो कंपनी है वो तो राजस्थान में है, जिसका मतलब ये भी आईजीएसटी लगेगा, और नाम लिखेंगे पहले, जून 8 को एंट्री कर रही आ रही है हमारे सामने, जून 8 के, पार्टी का नाम क्या है, राजा फर्नीचर हाउस। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है, राजा फर्नीचर हाउस, शहर का नाम भी लिख दो, अहमदाबाद से है। ठीक है, अब यहां पर हम इसको करते हैं और आप देखते हैं कि क्या क्या खरीदे हमने उससे। देखो सबसे पहले हमने क्या खरीदा उससे, 8 अलमीरा खरीदी है, सॉरी बेची है इस बार, तो 8 अलमीरा 15,000 ईच की, सेल्स बुक बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर 8 अलमीरा, तो यहाँ लिखते हैं 8 अलमीरा कितने की बेची है, 15,000 एक की, तो 15,000 पे हम यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे डिटेल में करेंगे, तो यहाँ पर 15,800 से कितना होता है, 120, जीरो कितनी है, 3 जीरो है, लगा दो 1,20,000 की बेची होगी इसका मतलब। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा, 9 स्टील कैबिनेट 20,000 के ईच के, यहाँ पे लिख देते हैं मैं 9, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 20,000 ईच, 2 9 जगह कितना होता है, 18, जीरो कितनी है, 4, तो अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 3 लाख रुपीज आ गया ना, तो 3 लाख रुपीज आ गया। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट कितने का होगा, ट्रेड डिस्काउंट तो दिया होगा, बिल्कुल दिया है, ट्रेड डिस्काउंट सेलर देता है हमेशा जो बेच रहा है, 10% का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया इस प्राइस पे, तो यहां पर हम इसका 10% काटेंगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहां पर ट्रेड डिस्काउंट काटे 10% कितना हो गया, 30,000 का, तो एक्चुअल में हमने उसको सामान कितने का बेचा है, 2,70,000 का, लेकिन ये तो हमारा जीएसटी को छोड़ के है, अब जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, और मैंने आपको अभी बताया था कि जीएसटी कौन सा लगेगा, आउटपुट आई जीएसटी, क्योंकि
क्योंकि सामान बेचा जा रहा है शहर के, देश के, मतलब सॉरी स्टेट के बाहर, गुजरात में बेचा जा रहा है ना, तो 12% का लगेगा। अब 12% निकालो कितना होता है इसका, तो हमारे पे आएगा यहाँ पर 32,400 रुपये। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पे कितना हो जाएगा, ये 3,02,400। अब इसको हम ब्रेक करके दिखाएंगे कि 3,02,400 कैसे आया, सेल प्राइस कितना होगा इसमें। एक्चुअली में हमने सेल एक्चुअली में 2,70,000 का होगा, और इसमें जीएसटी, IGST लगा, कौन सा लगा, 32,400 वाला, तो उसको ऐड करके दिखा दिया हमने कि ऐसे आया ये 3,02,400 ऐसे आया ये। ठीक है, इस तरह से करते हैं, हमारी बहुत सिंपल होती है सेल बुक, कुछ भी नहीं करना होता। तो इस तरह से हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ पर जून 12 को बेचा गया, फिर हमें सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर बेचे गए मोहन लाल को, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये एंट्री नहीं आएगी, देखो जून 20 को जो एंट्री हुई है कैश में बेचे गए है, तो भाई कैश में बेचे गए तो कैश बुक में आएगी ना, तो सेल बुक पे कैसे आएगी, इसलिए आपको हिस्ट्री का ध्यान रखना है। तो ये तो एंट्री बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब करते हैं जून 12 की एंट्री, मैं आपको करके दिखाता हूँ दोनों एंट्री, तो आपको अच्छे समझ में आएगा जून 12 और जून 25 की। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, यहीं पे हम सारे बहुत सारे लोग इसमें फंसेगे। क्या है कि आपकी जून 12 को जो ये सेल हुई है वो कंप्यूटर की सेल हुई है, ठीक है ना, और कंप्यूटर हमारा एक फिक्स्ड एसेट होता है। तो यहां पर गुड्स की सेल आती है मेरे भाई, सेल्स बुक में जो गुड्स आप बेचोगे उसकी सेल आती है। यहां पर आपने कभी ऊपर देखा कि लिखा हुआ है कि भाई कोई आपने कोई फर्नीचर बेचा है, नहीं दे आपने नहीं देखा भाई, आपने नहीं देखा, क्योंकि वो गुड्स की सेल होती है। तो गुड्स पे कभी नाम नहीं आता कि ये गुड्स का नाम है, पर कंप्यूटर कैसे माने कंप्यूटर वो बेचता है वो। अगर इसका काम कंप्यूटर बेचना और खरीदना होता तो बात ठीक थी। ऊपर क्या लिखा था, फर्नीचर का काम है इसका, इसका काम है फर्नीचर का बेचना, तो इसका मतलब है इसके लिए गुड्स हमारे लिए फर्नीचर है। तो कंप्यूटर जो बेचा गया है ये सेल्स बुक के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ये जनरल प्रॉपर में आएगा। अब आप कहोगे क्यों, सेल्स बुक तो ऐसे ही बनती है, सेल्स बुक तो सेल्स है, नहीं ये सेल तो है पर ये हमारे फिक्स एसेट की सेल हो रही है, तो ये हमारा जो सेल होगी ये हमारी सेल बुक के अंदर नहीं आ सकती, इसको सेल अकाउंट नहीं बनाते। आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है, हमारी इसकी एंट्री होगी, क्योंकि कैश में नहीं बेचा क्रेडिट में बेचा है, तो हमारी इसकी एंट्री होगी मोहन लाल एंड कंपनी, मोहन लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट में इसकी एंट्री होगी, सेल अकाउंट में नहीं हो सकती, समझ गए बात को। तो इसी का ध्यान रखना, आपको ये एंट्री कभी नहीं होगी, जून 20 को भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश में बेचा गया है, जून 25 वाली एंट्री होगी बस, और ये भी नहीं आएगा, परचेज करा है हमने तो भाई, तो परचेज करने की एंट्री तो कैसे आ जाएगी, परचेज बुक में आएगी वो। तो आपके सिर्फ एक ही एंट्री होगी जून 25 को, चलिए करते हैं जून 25 को एंट्री, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए जून 25, जून 25 को बेचा, किसको बेचा गया, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर में जाए, तो यहां पर न्यू फर्नीचर हाउस दिखती है, न्यू फर्नीचर हाउस कहाँ से है वो, जयपुर से है, तो यहां पर हम लिख देते हैं जयपुर से, ठीक है, जयपुर से क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा हमने इसको। सबसे पहले हमने इसको बेचा है, 5 सोफा सेट बेचे गए 20,000 रुपये के, एक सोफा है तो 5 सोफा सेट एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, यानी कि टोटल हम आगे कितना हमारे आया होगा, हमारे पास 1 लाख रुपीज आया होगा, ठीक है। और क्या बेचा हमने, और हमने उसको बेचा है 10 टेबल बेचे हैं 8,000 रुपये के एक है, तो यहां पर लिख देते हैं कि 10 टेबल एट द रेट ऑफ 8,000 ईच, तो कितना हो गया, 80,000 हो गया, 80,000 हो गया, टोटल करते जरा इसका, 1,80,000 आ गया। अब हमारा कुछ ना कुछ ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, बिल्कुल है, ट्रेड ऑफ कितना है हमारा, है ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट ही नहीं है देखो हमारा इस बार, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो हमारा काम आसान हो गया। अब सीधा इसके ऊपर क्या लगाएंगे, जीएसटी लगा देंगे, तो लगाते हैं एड आउटपुट सी जीएसटी लगेगा या क्या लगेगा, देखो जयपुर में ही बेचा गया,
और ये आपको पता है कि ये जो इनका बिजनेस था, ये जयपुर खुद राजस्थान का रहने वाला था। आपको पता है राजस्थान में जयपुर है, जयपुर ही कैपिटल है राजस्थान की। तो मतलब अपने स्टेट में बेचा गया है, अपने स्टेट में बेचा गया। तो आपके सामने दो जीएसटी लगेंगे, एक तो ये जोड़ेगा आउटपुट सी जीएसटी 6% का जो था, उसके बाद जोड़ेगा आउटपुट एस जीएसटी। निकालो जरा, 1,80,000 का 6% कितना होता है, 18,6 का कितना होता है, 18,6 18,6 होता है हमारा 108। तो 108 दो जीरो यहां से कट जाएगी, तो यानी कि इतना आ जाएगा 10,800। इसको जरा प्लस करते हैं, प्लस करो कितना आ जाएगा भाई इसका, 0 0 8 और 8 16, 1 इधर गया, 9 और 1 10, तो इतना आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अब यहां पर हम इसको टुकड़ों में करके दिखाएंगे कि भाई सेल प्राइस कितना था इसके अंदर। सेल प्राइस हमारा था एक्चुअल में 1,80,000 का, लेकिन जो जीएसटी हमारे लगे, फिर 10,800 का जीएसटी जोड़ा, सी जीएसटी एस जीएसटी जोड़ा, इतना टोटल हम आ गए, प्राइस हमारा हमारा इतना। समझ के बात तो कैसे करते हैं, बस यही तो हमारा आंसर है। आप इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, सबका टोटल कर लेंगे कि भाई टोटल मिला के हमारा कितनी सेल हुई है, अब इन सबका टोटल करेंगे। करते जरा टोटल कितना आ गया, तो ये थोड़ा सा हमारा ये बन नहीं आएगा इधर, ये थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, ये 0 आएगा। ठीक है, तो जब इसका टोटल करेंगे, खासकर जब इसका पूरा टोटल करते हैं, तो अभी हम इसका टोटल करेंगे स्पेशली। तो देखो सेल प्राइस का टोटल करते हैं, टोटल इसमें डबल लाइन नहीं खींचते, जरा डबल लाइन तो खींचते नहीं है, डबल लाइन अभी खींचेंगे, पहले से टोटल करते हैं सारा सारा। अब इसका हम टोटल करेंगे कि जितना भी हमारा सेल हुई है टोटल मिला के कितनी सेल हुई होगी। ये थोड़ा गलती से हमारा यहाँ पर आ गया, इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी सही कर लिया, थोड़ा गलत कॉलम में लिखा गया था वो। अब आप देखो इसका टोटल करेंगे खाली सेल प्राइस का, तो जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,25,000। और जब हम इसका टोटल करेंगे आउटपुट आपका जो हमारा था, ये तो बेसिक, सॉरी सॉरी, ये बेसिकली ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर 10,800 लिखा जाएगा एंड यहाँ पर भी 10,800 ही लिखा जाएगा, इधर कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो इधर देखो कुछ था ही नहीं, हमारा तो कोई ऐसे थे ही नहीं सेल जो सी जीएसटी में हुई हो, तो हमारा तो ऐसा था ही नहीं। तो इसमें 10,800 ही आएगा, इसमें भी 10,800 ही आएगा, इसमें थोड़ा सा बदल के आएगा 32,457,000। तो जब अब हम इसको करेंगे तो 89,400 पे आएगा। अब इसको टोटल करें तो 10,36,000 रुपये आएगा, समझ गए, इतना आएगा हमारे सामने। तो 10,36,000 रुपये आएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। और आपको पता है कि ये सारा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टोटल तक लिख सकते हैं, या फिर इसको मैसेज करके लिख सकते हैं कि सेल्स अकाउंट में जाएगा ये, क्योंकि परचेज बुक का जाता है परचेज अकाउंट में, ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। ऐसे ही इसमें भी सेल्स अकाउंट में जाएगा बैलेंस, और ये क्रेडिट बैलेंस रहेगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है, इनकम है ना, तो ये जाएगा इस तरीके से हमारा बनता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैसे बनाई जाती है। एक हमने अच्छे क्वेश्चन लिया था जिससे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में भी, ठीक है, मुश्किल इतना नहीं मिलता। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फैला दो उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता अच्छे से। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप जरूर जाओ क्लास 11 की प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक डाले हुए हैं इसी से रिलेटेड वीडियोस के, परचेज बुक, कैश बुक, जाके देखो और लुक उठाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।